सूरदास की झोपड़ी। हमारी ये कहानी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई उपन्यास रंगभूमि का एक छोटा सा अंश है, जिसमें प्रेमचंद्र जी सूरदास के बारे में बताते हैं, जो श्री कृष्ण के भजन गाकर लोगों से भिक्षा मांगा करते थे और भीख में जो भी थोड़ी बहुत पैसे मिलते वो उन्हें एक पोटली में बांधकर रख देते और इकट्ठे किए हुए इन पैसों से वो अपना 3 सपना पूरा करना चाहते थे। एक तो अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए वो पिंड दान करना चाहते थे, दूसरा वो अपने बेटे मिठुआ की शादी करवाना चाहते थे और तीसरा वो गांव के लोगों के लिए एक कुआं खुदवाना चाहते थे। पर हर कहानी की तरह हमारी इस कहानी में भी एक विलन है, जिसका नाम है भैरव। भैरव अपनी पत्नी सुभागी को रोज रोज बिना किसी वजह के बहुत मारता था और उससे बचने के लिए भैरव की पत्नी सुभागी सूरदास की झोपड़ी में शरण ले लिया करती थी। लेकिन सूरदास की ये मदद की भावना भैरव को समझ नहीं आती और उसे लगता है कि सूरदास मेरी बीवी पे लाइन मारता है, और तो और इन दोनों के बीच जरूर कुछ ना कुछ है, वरना इतनी रात को भला सुभागी सूरदास की झोपड़ी में ही शरण क्यों लेती है। यही वजह थी जिसके कारण भैरव सूरदास का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और जलन के मारे वो सूरदास की झोपड़ी में आग लगाने का प्लान बनाता है। और एक दिन सही मौका देखकर वो सूरदास की झोपड़ी में घुस जाता है और सारे पैसे चुराकर झोपड़ी में आग लगा देता है। झोपड़ी में आग लगा देख पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सब आग बुझाने की कोशिश करने में लग जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि भला कौन इतना निर्दयी होगा जो एक बेचारे अंधे भिखारी की झोपड़ी में आग लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ अपनी झोपड़ी को जलता देख सूरदास बहुत ही दुखी होते हैं। उन्हें झोपड़ी के साथ साथ अपने तीनों सपने भी जलते दिख रहे थे। बिना पैसों के वो ना ही पिंड दान कर सकते थे, ना ही अपने बेटे मिठुआ की शादी कर सकते थे और ना ही गांव के लोगों के लिए कुआं खुदवा सकते थे। कुछ ही पलों में उनके तीनों के तीनों सपने उनकी झोपड़ी के साथ जल के राख हो जाते हैं। खैर उसी गांव में एक जगधर नाम का लालची व्यक्ति भी रहता था। वो समझ जाता है कि हो ना हो ये काम भैरव का ही है। वो भैरव के घर जाता है और बात ही बात में उससे सारी बात उगलवा लेता है। और जगधर लालची तो था ही, वो भैरव को धमकी देता है कि अगर वो चुराए पैसों में से आधे पैसे उसे ना दिया तो वो सूरदास को जाके सब साफ साफ बता देगा। लेकिन भैरव कहता है, हाँ तो जाओ ना, जाके बता दो, मैं एक भी रुपया देने वाला नहीं हूँ। और जगधर सूरदास को जाके बता देता है कि उसकी झोपड़ी में भैरव ही आग लगाया है। किंतु सूरदास जगधर से पैसों के बारे में कुछ नहीं पूछते, क्योंकि उन्हें लगता था एक अंधे गरीब भिखारी के पास इतना पैसा होना लज्जा की बात है और लोगों को ये पता चल गया तो वो उन्हें भिक्षा देना भी बंद कर देंगे। परंतु जगधर उन्हें बता देता है कि उनके सारे पैसे भी भैरव ही चुराए हैं, और तो और वो ये भी कहता है कि मैंने तो वो पोटली देखी भी है जिसमें आपके सारे पैसे थे। और ये सारी बात भैरव की पत्नी सुभागी सुन लेती है और प्रण लेती है कि वो पोटली वापस लाएगी ही लाएगी। सूरदास को अभी तक कम से कम इस बात का संतोष था कि उनके पैसे जलकर राख हो गए हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि एक भिखारी होने के बावजूद लोग उनसे जलन करते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है और उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनका बेटा मिठुआ दोस्तों के साथ खेलते हुए हार जाता है और रोने लगता है। तभी उसके दोस्त कहते हैं, अरे खेल में भी भला कोई रोता है? ये बात सुनकर वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ये दुनिया भी तो एक खेल ही है और इस खेल में मैं हार कर रोऊंगा नहीं। आखिरकार उन पैसों को मैं ही तो इकट्ठा किया था ना, फिर कर लूंगा। उस झोपड़ी को मैं ही बनाया था ना, फिर बना लूंगा। तभी सूरदास का बेटा वहां आ जाता है और कहता है, पापा अगर कोई हमारी झोपड़ी में दोबारा आग लगा दिया तो? तो सूरदास कहते हैं, तो क्या, कोई दोबारा तिबारा तो छोड़ो, अगर हजारों लाखों बार भी आग लगा दे तो हम अपनी झोपड़ी को हजारों लाखों बार बना लेंगे। और एक खिलाड़ी की तरह सूरदास की आंखों में भी खेल को खेलने की एक नई उमंग जगती दिखाई देती है। तो बस यहीं पे खत्म होती है हमारी प्यारी सी कहानी सूरदास की झोपड़ी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।